प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। लोग कहते हैं कि जब शैतान ने घमंड किया तो उसको गिरा दिया गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है कि एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में वो जीत नहीं पाया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। ये लड़ाई कौन सी थी, ये लड़ाई कब हुई थी, ये लड़ाई कहाँ पर हुई थी और शैतान को कब गिराया गया, और शैतान को गिराने के बाद उसे कुछ भेद की बात पता चली, वो भेद की बात क्या है, क्या वो भेद की बात आपके पास है? शैतान ने जो जान लिया है वो आज विश्वासी लोग और आत्मिक लोग नहीं जान पाते। वो कौन सी चीज़ है जो सही में विश्वासी और आत्मिक लोग जानते होने चाहिए, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और वचन 7 से लेकर 12। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण है स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। वचन पूरा नहीं है, सीख चुके लेकिन आज कुछ नए अंदाज में और भी गहराई से ये वचन मिलने वाला है और इसलिए बहुत ध्यान से इस वचन को समझना ताकि आप समझ पाओ कि आज परमेश्वर आपसे कौन सी बातें वो करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो वचन है वो वचन जो हमने पढ़ा तो वहाँ पर लिखा है कि फिर स्वर्ग में एक लड़ाई हुई और मिकाएल और उसके दूत और साथ में जो शैतान इबलीस अजगर जो भी नाम दिए वो और उसके दूत वो दोनों आपस में लड़े। एक लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ जो बाइबल में लिखी है और ध्यान से समझना, एक लड़ाई हुई। और आज काफ़ी कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि जो बाहर संसार में लोगों को नहीं मालूम और साथ में एक झूठी शिक्षा जो सही में झूठी है उससे आप कुछ आज़ाद भी हो सकोगे अगर वो झूठी शिक्षा अगर अंदर है तो यहाँ पर एक लड़ाई की बात की है, मिकाएल और उनके दूत और सामने शैतान और उसके दूत वो दोनों आपस में लड़े और लड़ाई होने के बाद ऐसा हुआ कि शैतान और उसके दूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। हालेलुया, ऐसा ही पढ़ा न, ऐसा ही है न। ध्यान से इस बात को समझते रहना, ये लड़ाई कौन सी है, ये लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई, कौन सी लड़ाई थी। जबकि लोग ऐसा कहते हैं कि शैतान वो पहले स्वर्गदूत था, उसने घमंड किया और घमंड ऐसा किया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊँगा, मैं मेरा सिंहासन परमेश्वर से बड़ा करूंगा, मैं ऊंचाई के ऊपर चलूंगा। और इस घमंड की वजह से उस शैतान को पृथ्वी पर डाल दिया गया, गिरा दिया गया, ऐसा ही लोग बोलते हैं ना। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर तो ऐसा लिखा, एक लड़ाई हुई
उस लड़ाई के बाद में उसको गिराया गया। समझ में आ रही बात? बाहर लोग जो भी समझे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बहुत स्पष्ट कहते हैं कि उसको कब गिराया गया। तो गिराने से पहले एक लड़ाई हुई थी, उसने घमंड किया था, उसको नहीं फेंका गया, तब नहीं गिराया गया, लेकिन एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के बाद उसको शैतान को गिरा दिया गया। अब ये गिरा हुआ शैतान, अगर आप देखो बाइबल में, तो आपको उत्पत्ति से दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की आदम के वक्त, समुंदर बनाया, पेड़ पौधे उगाए, पशु पंछी बनाए, छठवें दिन आदम को बनाया। ये जो परमेश्वर ने रचना की, मैं उस रचना की बात कर रहा हूँ, तभी शैतान तो था। और जैसे आदम और हवा को बनाया, वो तो आ गया उनके पास और बोला, क्या परमेश्वर तुम्हें सारे फल खाने को मना किया? इसका मतलब परमेश्वर जब बात कर रहे थे आदम से, आदम सारे फल खा सकता है, लेकिन ये बीच वाला जो है ना भले बुरे का पेड़, उसका फल नहीं खाना है। शैतान वहाँ पर हाजिर था कि नहीं? उसे सुना कि नहीं? फिर श्री के पास आकर क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने क्या बोला है? मतलब उसे सुना था, वो वहाँ पर हाजिर था, और शैतान ही था, स्वर्ग तो नहीं था, पवित्र तो नहीं था उस वक्त। तो गिराया हुआ ये जो शैतान है, वो शैतान देखने जाओ तो हमें उत्पत्ति के पहले से दिखाई देता है, आदम के पहले से हमें दिखाई देता है। इतना ही नहीं, उसके साथ जो दुष्टात्माएं हैं, वो दुष्टात्माएं भी हमको शुरू से दिखाई देती है। दोष लगाने वाली आत्मा, जिसने आदम और हवा के जरिए परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया, वो दोष लगाने वाली आत्मा हमको दिखाई, तूने स्त्री बनाकर मुझे दी, उससे मुझे फल खिलाए, वो आत्मा हमको वहाँ पर दिखाई देता है। फिर न्यायों की किताब में लिखा है, न्यायों की किताब उसका अध्याय 9 और वचन 23, तब परमेश्वर ने अभिमेलेक और सकेम के मनुष्य के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, अतः सकेम के मनुष्य अभिमेलेक से विश्वासघात करने लगे। यहाँ पर जो बात लिखी है कि एक बुरी आत्मा, लेकिन उस बुरी आत्मा का नाम है बैर करवाने वाली आत्मा, और बैर करवाने वाली आत्मा आई तो आपस में बैर हो गया। अभी देखो ये बैर करवाने वाली आत्मा, वो तो हमको काफ़ी पहले से यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 22वां अध्याय और वचन भी 22। उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्य वक्ताओं में बैठ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहाँ पर एक आत्मा ने ऐसा बोला कि मैं लोगों के अंदर घुसकर झूठ बुलाऊंगी। यहाँ झूठ बोलने वाली एक आत्मा है, उसके बारे में बात की। तो ये आत्मा भी हमको तो बाइबल में दिखाई देती है, एक बैर करवाने वाली आत्मा, झूठ बुलाने वाली आत्मा। अभी ध्यान से समझना कि ये आत्मा हमको पहले से दिखाई देती है, लेकिन वहाँ तक हमें कोई लड़ाई की बात नज़र नहीं आती। शैतान को फेंका गया, उसको गिराया गया, साथ में उसके जो दूत थे उसको भी गिरा दिए गए, लेकिन उत्पत्ति से हम पढ़ कर आते हैं तो एक गिरे हुए दिखाई देते जरूर, लेकिन वो लड़ाई के बारे में हमको कहीं पता नहीं चलता है कि लड़ाई हुई कहाँ और कब हुई, किस दिन उसको गिराकर इस धरती के ऊपर डाल दिया गया। ये लड़ाई कब हुई होगी? क्या ये आदम से पहले किसी जगह पर ये लड़ाई हुई होगी? चलो अय्यूब के पुस्तक में पढ़ते हैं, अय्यूब का पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 6। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में थे उनके पास स्वर्गदूत इकट्ठे हुए थे और शैतान भी वहाँ पर स्वर्ग में आया। और जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ तो ऐसा लिखा है, उस लड़ाई के बाद शैतान को गिराया गया, उसके बाद उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली। मतलब वो जो लड़ाई हुई थी जिसके बाद शैतान को फेंका गया, गिराया गया, उसके बाद कभी भी वो स्वर्ग में नहीं जा पाए। लेकिन अय्यूब के वक्त ये शैतान वो तो स्वर्ग में जाता है। इसका मतलब ये लड़ाई जिस वक्त अय्यूब थे तब तक तो ये लड़ाई नहीं हुई थी। समझ में आ रहा है सभी को? वचन थोड़ा गहरा है, ध्यान बनाए रखना, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो ये सारा वचन आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। चलो अय्यूब उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ दो। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी
उसके सामने उपस्थित हुआ। एक बार फिर ऐसा हुआ कि फिर स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने आए और शैतान भी वहाँ पर स्वर्ग में चला गया। ये दूसरी बार हुआ अय्यूब के पुस्तक में। इसका मतलब अभी भी शैतान को गिराया नहीं गया था, लेकिन था तो अभी भी शैतान। वो ध्यान से समझना कि जो लोग बोलते हैं कि उसने घमंड किया, उसने ये सोचा सिर्फ स्वर्ग में बैठकर कि मैं अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करूँगा, मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के समान होगा, मैं ऊंचाई के ऊपर चलूँगा, ये जब सारी बातें उसने सोची और शैतान को गिरा दिया गया, उसके साथ जो उसको साथ देने वाले थे उनको भी गिराए गए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब गिरा है उसके बाद स्वर्ग में जगह नहीं मिली। तो स्वर्ग में जगह नहीं मिली तो यहाँ अय्यूब के पुस्तक में तो स्वर्ग में जा सकता है, तो इसका मतलब कि उस वक्त उसको नहीं गिराया गया जब उसने घमंड किया। लेकिन प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा एक लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के बाद, लड़ाई में वो प्रबल भी नहीं हुआ, वो हार गया लड़ाई, उसके बाद उसको धरती के ऊपर फेंका गया, ऐसा प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा। और जब से उसको गिराया गया तब से उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली। और स्वर्गदूतों ने खुश होकर कहा कि स्वर्ग और स्वर्ग में रहने वाले खुश हो जाओ, बोले आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो दोष लगाने वाला था, जो अपने भाई के ऊपर दोष लगाने वाला, उस शैतान को गिरा दिया गया। और फिर क्या बोला कि ए धरती पर रहने वालों, तुम्हें हाय, तुम्हें अफसोस, ए समुंदर में रहने वालों, तुम्हें अफसोस, शैतान तुम्हारे पास आया है। इसका मतलब जब ये बात कही गई तब इस धरती के ऊपर कुछ लोग रहते होंगे, क्योंकि धरती पर रहने वालों को बोला ना शैतान तुम्हारे पास आया है। अभी ये लड़ाई कम से कम अय्यूब से पहले तो नहीं हुई, अय्यूब से पहले ये लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि अय्यूब के वक्त तो शैतान वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन जब से उसको गिराया गया तब से उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली। इसका मतलब अय्यूब से पहले शैतान को नहीं गिराया गया। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना, उसको तब गिराया गया जब एक लड़ाई हुई थी, और ये जो लड़ाई है वो लड़ाई अय्यूब से पहले तो नहीं हुई, क्योंकि अय्यूब से पहले हुई होती तो भी शैतान ऊपर नहीं जा सकता था। तो ये जो लड़ाई है वो अय्यूब से पहले नहीं हुई है। तो फिर ये लड़ाई हुई कब? ना तो आदम से पहले हुई है, ना तो अय्यूब से पहले हुई है। तो ये जो लड़ाई है वो लड़ाई हुई कब? और बाइबल में क्वेश्चन पढ़ते हैं यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका अध्याय 14 और वचन पहला और दूसरा। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इज़राइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वाले को बंदी बनाएंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। अब यहाँ पर जो लिखा है उसको ध्यान से आपके बाइबल में देखकर आप पढ़ते रहना और समझते रहना। यहाँ पर ऐसा लिखा है परमेश्वर एक बार फिर याकूब को, मतलब इज़राइल को पसंद करेगा। दूसरी बात यहाँ पर ऐसी लिखी है एक बार फिर इज़राइल को अपने ही देश में बसाएंगे, ऐसा ही लिखा है। देख लो तो एक बार फिर से पढ़कर पढ़ो, यहाँ यशाया 14:1 और 2। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा। फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा, फिर अपना कर, मैं पहले अपनाया था, एक बार फिर अपनाएंगे, तो इसका मतलब क्या? पहले अपनाया था और एक बार फिर अपनाएंगे, मैं दोनों के बीच में छोड़ा भी तो होगा ना। हालेलुया, ध्यान है कि नहीं सभी का? परमेश्वर ऐसा बोलते कि परमेश्वर इज़राइल को एक बार फिर अपनाएगा, इसका मतलब बहुत पहले अपनाया था और ये दूसरी बार अपनाने की बात कर रहे हैं, मतलब बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा कि परमेश्वर ने इज़राइल को छोड़ दिया होगा
और परमेश्वर एक बार फिर इनको अपनाएंगे। फिर क्या लिखा है, और फिर एक बार इसराइल को अपनी ज़मीन पर अपने देश में बसाएंगे। इसका मतलब पहले निकालना भी तो पड़ेगा। परमेश्वर ने इसराइल, और इसराइल का मतलब होता है एक प्रजा, लेकिन वो प्रजा पैदा हुई थी याकूब से, और परमेश्वर ने याकूब का नाम इसराइल रखा था। परमेश्वर ने उस याकूब को पसंद किया था, मतलब इसराइल को पसंद किया था। उसके बाद उनकी बड़ी प्रजा हो गई, वो थे मिस्र देश में, मिस्र देश में गुलाम थे। परमेश्वर ने उनको पसंद किया था और परमेश्वर ने उनको अपनाया था। परमेश्वर ने उनको वहाँ से बाहर निकाला और कनान देश में, जो आज का इसराइल है, उस जगह पर ले जाकर बसाया और उस जगह का नाम इसराइल हो गया। ये परमेश्वर ने इसराइल को अपना कर अपनी धरती में उनको बसाया था। ये पहले वाली बात है। अभी उसके बाद परमेश्वर बोलते हैं, मैं फिर अपनाऊंगा, मैं फिर बसाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर इनको छोड़ दिया होगा और फिर परमेश्वर ने इनको अपने देश से निकाल भी दिया होगा, तभी परमेश्वर बोलेंगे एक बार फिर अपनाऊंगा और एक बार फिर मैं इन लोगों को अपनी जगह पर बसाऊंगा। इसका मतलब पहली बार अपनाया और दूसरी बार अपनाया, उन दोनों के बीच में परमेश्वर ने इनको छोड़ा है। पहली बार धरती पर बसाया, अपने देश में बसाया, और दूसरी बार बसाया, मतलब बीच में परमेश्वर ने इनको अपने देश से निकाल भी दिया होगा। अभी ध्यान से समझना, क्या जब से इसराइल प्रजा इसराइल देश में बसी है, क्या बाइबल में कभी आपने पढ़ा कि वो अपना देश छोड़कर कहीं बाहर चले गए या तो भाग गए? ऐसा बाइबल में कहीं पर आपको सुनने को मिला, कहीं पढ़ने को मिला, कहीं बाइबल के अंदर प्रचार में किसी परमेश्वर के दास से कभी आपने ऐसा देखा कि उसने ऐसा प्रचार किया कि हाँ देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि इसराइल प्रजा जो थी वो इसराइल छोड़कर भाग गई? पूरा बाइबल पढ़ लेना, इसराइल प्रजा कभी भी पूरी खाली नहीं हुई। जब से परमेश्वर ने उनको इसराइल देश में बसाया, उसके बाद नबूकदनेस्सर नाम का राजा बरसों के बाद उनके ऊपर चढ़ाई कर आया था। दानियल, हनन्याह, मिसाल, अजारिया, उन सभी को गुलाम बनाकर लेकर गया था। लेकिन उस वक्त भी कई लोग थे जिन लोगों ने इसराइल को नहीं छोड़ा था, वो अभी भी इसराइल में थे। एज्रा नहमिया के वक्त में भी कई लोग थे जो इसराइल में बसे हुए थे। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि जो लोग अभी भी यहाँ पर है और बंधुवाई में नहीं गए, उनके ऊपर मौत आएगी सभी को पुकार कर। मतलब सभी लोग इसराइल छोड़कर नहीं गए थे। उसके बाद दारा राजा आया, ये वो जितने भी आए, रोमी सरकार आई, वो भी तो इसराइल के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, लेकिन थे तो सारे इसराइल में। और पूरा बाइबल ख़त्म हो गया प्रकाशित वाक्य तक, तब तक रोमी सरकार ही राज कर रही थी और इसराइल अपने देश में ही थे। कभी भी पूरा बाइबल पढ़ो तो उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि इसराइल प्रजा वो अपना देश छोड़कर वो भाग गई हो, या तो कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने उनको 100% छोड़ दिया हो, अपनाया ना हो। ऐसा हमें बाइबल के अंदर नहीं दिखाई देता, कहीं पर भी ये बात हमको नज़र नहीं आती। लेकिन यशा भविष्यवक्ता ऐसा लिखते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर अपनाएंगे, इसका मतलब छोड़ा होगा, और एक बार फिर उनको अपनी धरती पर बसाएंगे, मतलब वहाँ से निकाल देंगे। ये बात ये कब हुई? हाँ, ऐसा हुआ है। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल को दूसरी बार अपने देश में बसाया। किसी को मालूम है कि इसराइल देश आज़ाद कब हुआ? हाँ, तारीख 14/5 14 मई 1948 को इसराइल देश एक बार फिर से अस्तित्व में बना। इसका मतलब उसके पहले नहीं था ना, इसके पहले नहीं था, मतलब इसराइल देश ही नहीं रहा था। तो इसका मतलब परमेश्वर एक बार फिर बसाया ना इनको, तो फिर बसाया मतलब चाहे बाइबल ख़त्म हो गया और 1948, उन दोनों के बीच में कहीं पर ऐसा हुआ था कि परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया था और ये सारे लोग अपना देश छोड़कर वो भाग गए थे। तो 14 मई 1948 को ये देश इसराइल देश एक बार फिर से अस्तित्व में आया, फिर से बनाया गया, फिर से आज़ाद हुआ। इसका मतलब 1948 से पहले कुछ घटना हुई थी
और वो घटना ऐसी हुई थी कि जिसमें इज़राइल के लोग सारे अपना देश छोड़कर भाग गए और वो भी 100%, एक भी इंसान वहाँ पर नहीं रहा। और साथ में परमेश्वर अगर इनको ना छोड़े तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो परमेश्वर ने छोड़ दिया होगा। दूसरा इतिहास 36वां अध्याय पढ़ना, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयत्न किए, कोई नहीं माना, नासित किया माना, नासित किया कि लोग माने, आखिर में नबूकदनेस्सर आकर इनके ऊपर हमला कर दिया और इनको गुलाम बना दिया। उसके बाद भी देखो रोमी सरकार जब थी तो परमेश्वर खुद आया हमारे बीच में, खुद उन्होंने सभी लोगों को बचाने का प्रयत्न किया, तब भी लोग नहीं बचे, तभी भी उन लोगों ने प्रभु यीशु को मारा, ख़त्म ही कर दिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपना काम जारी रखा। परमेश्वर कब छोड़ते किसी को, कि परमेश्वर उनके लिए काफ़ी मेहनत करते, परमेश्वर उनको काफ़ी कुछ सिखाते हैं, परमेश्वर काफ़ी प्रयत्न करते, जब उसके बाद भी इंसान वो ना माने परमेश्वर की आज्ञाकारी ना करे, तब जाकर परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ दे। समसुन का जीवन देखना, जब जवान हो गए तभी से गलत रीति से चलने लगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने 20 साल तक उनको नहीं छोड़ा था। 20 साल के बाद आखिर में जब उसने बाल भी कटवा दिए तब परमेश्वर उसको छोड़ दिया, अभी छोड़ो, तो परमेश्वर तुरंत नहीं छोड़ते। लेकिन जब इज़राइल के लोगों ने माना ही नहीं, जब वो प्रभु से के पीछे आए ही नहीं, बहुत लोगों ने वहाँ पर सुसमाचार फैलाए, पतरस को मार दिए गए उसी इज़राइल के अंदर, यूहन्ना मर गए उसी इज़राइल के अंदर, जितने भी परमेश्वर के दास थे उनको कत्ल कर दिया गया, किसी को क्रूस पर मार दिया गया, किसी को काले पानी की सजा हो गई, भूखे प्यासे यूहन्ना मर गए, ये सब कुछ वहीं पर इज़राइल में हुआ। और देखो आखिर में परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया होगा। और सन 135 में एक बादशाह था जिसका नाम था तीतस, और तीतस बादशाह ने इज़राइल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसकी जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें थी, परमेश्वर का भवन था, वो सब कुछ गिरा दिया, उसको फूंक दिया। ये जो तीसरा भवन बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा भवन जो था, जो इज़राइल ने हमें के जरिए बनाया गया था, वो भवन इसी तीतस बादशाह ने जला दिया था। और उसने लोगों का इतने कत्लेआम कर दिया, इतना जुर्म किया उसने कि इज़राइल लोग बचने के लिए इज़राइल देश छोड़कर भाग गए। लेकिन सन 135 मतलब प्रकाशित वाक्य के बाद की बात, प्रकाशित वाक्य 96 में लिखा गया और 96 में ये बाइबल हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई पुस्तक बाइबल के अंदर नहीं जोड़े गए। लेकिन सन 135 में ये घटना हुई जो बाइबल के बाद की है, इसके लिए बाइबल के अंदर उस घटना के बारे में नहीं लिखा। लेकिन तीतस बादशाह ने सब कुछ ख़त्म कर दिया और सारी इज़राइल प्रजा 100% अपना देश छोड़कर वो भाग गई और पूरे वर्ल्ड में बिखर गई। ये सारी भविष्यवाणी बाइबल में आपको पढ़ोगे तो मिल जाएगी कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया में बिखेर दूंगा, और पूरी दुनिया में ये इज़राइल के लोग बिखर गए। लेकिन 19वीं सदी मतलब 1801 के बाद जो शुरू हुई वो सदी 19वीं सदी के अंत के हिस्से में यूरोप में जो यहूदी लोग रहते थे उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया यूरोप में। और आंदोलन का लक्ष्य ये था कि हम इज़राइलियों को जो हम बरसों से पटकते हैं, हमें हमारा देश वापस दो। और यूरोप से इसको बोलते हैं जियोनिस्ट मूवमेंट, कभी सर्च मार कर देख लेना, गूगल पर आपको मिल जाएगा। इन लोगों ने गवर्नमेंट से चाहा कि हमें हमारा देश वापस दो, क्योंकि वो देश अब पैलेस्टाइन के हाथ में था, क्योंकि बरसों से सन 135 से लोग तो चले गए थे, वहाँ पर कोई नहीं था, तो जाहिर है पैलेस्टाइन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, एक भी इसराइली वहाँ पर नहीं था। अभी इन लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया और कहा कि हमें हमारा देश जो है वो वापस दो। यूरोप में उसकी शुरुआत हुई। फिर जहाँ जहाँ पर इज़राइल के लोग रहते थे वहाँ पर धीरे धीरे आंदोलन फैलने लग गया। दूसरी बात, इज़राइल के लोग जिस भी देश में गए, जहाँ पर भी गए, सभी जगह पर इनको सताया गया, सभी जगह पर इनको मारा गया, और जहाँ पर भी जाते थे इनको लड़कर ही रहना होता था, क्योंकि ये लोग किसी देश के नागरिक तो थे नहीं।
और इसलिए सभी जगह पर इनको सताया जाता था और इनकी परंपरा कुछ अलग थी। और यहूदी लोग वो तो यही मानते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उसके साथ तो मिलना ही नहीं है, इसलिए उनका दूसरे के साथ मिलना जुलना कम रहता था, इसलिए लोग इनसे परेशान रहते थे और इसलिए लोग इनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते थे। जब इज़राइल लोगों ने देखा कि इतने वर्षों के बाद हमें शांति नहीं मिल रही, तो सोचा चलो अभी लड़कर ही जीना है तो क्यों ना हम हमारे देश में जाकर लड़े, क्यों ना हम पैलेस्टाइन वालों से ही लड़े बस, और हमारा देश वापस हासिल करें। लड़कर ही जिंदा रहना है तो कम से कम वो देश हमारा तो था एक बार। और 19वीं सदी के अंत से इज़राइल लोगों ने वहाँ पर दो दो चार चार कर कर वापस जाना शुरू कर दिए। और फिर भी जो वहाँ लोग पहुँच गए उन लोगों ने तो चारों ओर पूरी दुनिया में खबर पहुँचाए कि जितने भी इज़राइल के लोग आ जाओ इधर ही बस जाओ, आ जाओ सभी लोग यहाँ पर। लेकिन फिर भी इतनी मात्रा में लोग नहीं जाते थे। और उन्हीं वक्त में जो हिटलर था उसने 60 लाख यहूदी लोगों को ख़त्म कर दिया, और 60 लाख यहूदी मतलब इज़राइल प्रजा के 30%, समझ लो हमारे भारत देश के 30% अचानक से मर जाए तो एक ही दिन में उनको कत्ल कर दिया जाए, कितना बड़ा कत्ल। 60 लाख यहूदियों को जब उसने कत्ल कर दिया, मार दिया, तब इनको लगा कि नहीं सही में हमको हमारे देश में जाना चाहिए। और तब गिनती इनकी बढ़ने लगी, ये लोग अपने देश में जाने लगे। और अपने देश में जाने लगे तो देश तो उनका रहा नहीं था, पैलेस्टाइन के हाथ में था, तो पैलेस्टाइन वालों ने उनको मारना शुरू किया, उनके साथ लड़ाई शुरू की, वहाँ से भगाना शुरू किया। इनको मालूम था कि बाहर तो हमारा कुछ है ही नहीं, ये लोग भी सामने लड़े, इन लोगों को आतंकवादी घोषित किया, इनके संगठन को आतंकवादी घोषित किया। लेकिन फिर भी ये लोग मार मार कर जमीन हत्या कर ये इसराइल वाले वहाँ पर उन लोगों ने रहना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते आखिर में दुनिया वाले बीच में आए कि कब तक ये दोनों देश आपस में लड़ाई करते रहेंगे, कब तक यहाँ पर अशांति बनी रहेगी। और इसलिए आखिर में पूरी दुनिया बीच में आई और ख़ास कर अंग्रेज लोग बीच में आए और उन्होंने चाहा कि हम इन दोनों के बीच में कुछ करते। और उन लोगों ने पूरी दुनिया में उस वक्त जितने भी देश थे सभी देश को ऐसा कहला भेजा कि इज़राइल में आओ और हम लोग यहाँ पर एक वोटिंग करते कि इज़राइल को देश बनाया जाए या ना बनाया जाए। और उस वक्त 50 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया, उसमें एक भारत भी था। और 50 देशों ने जो हिस्सा लिया उसमें उनको ये तय करना था कि इज़राइल देश बनाया जाए हाँ या इज़राइल देश बनाया जाए ना। तो 50 देशों में से 37 देशों ने हाँ बोला और 13 देश ने ऐसा बोला कि हम नहीं चाहते कि इज़राइल देश वो बने। लेकिन इधर 13 उधर 37 लोग, तो वोटिंग में इज़राइल जीत गया। और 37 देशों ने जब हाँ बोला तब ऐसा हुआ कि इज़राइल देश को एक देश बनाया गया। इस तरह से 14 मई 1948 को इज़राइल देश एक बार फिर अस्तित्व में आ गया। हालेलुया। बात को ध्यान से समझना कि यशाया उसका 14 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन अभी हमने पढ़ा, एक बार फिर से उसका पहला वचन पढ़ते हैं। चलो, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा। ये जो बात है कि परमेश्वर इज़राइल को फिर अपना कर फिर अपने देश में बसाएगा, मतलब उससे पहले परमेश्वर इसको छोड़ेंगे। और ये जो घटना थी, छोड़ने वाली घटना या भविष्यवाणी, वो सन 135 में तीतस बादशाह के जरिए पूरी हो गई। तीतस बादशाह के जुल्म के सामने इज़राइल थक कर वहाँ से भाग गए और पूरा इज़राइल खाली हो गया। और ऐसा तभी होता है जब परमेश्वर इनको छोड़ते हैं तो ही, वरना कभी भी कोई भी राजा इज़राइल के ऊपर, पूरा बाइबल में इतिहास पढ़ लेना इनका, जब ये लोग ईश्वर के विरोध में जाते थे तभी कोई राजा इनके ऊपर चढ़ाई कर आता था। जब तक ये परमेश्वर में बने रहते थे चाहे आसपास में कितने भी बड़े राजा आ जाए कोई इज़राइल को कुछ नहीं कर सकता था। तो इन लोगों ने जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो सन 135 में जब परमेश्वर इनको छोड़ दिया तो तीसरे बादशाह ने सब कुछ ख़त्म कर दिया और सारे इज़राइलवासी जो देश उनके हाथ में आया वहीं पर भाग गया। पूरे वर्ल्ड में ये लोग
भाग गए। तो सन 135 में वो भविष्यवाणी पूरी हुई कि परमेश्वर इनको छोड़ देंगे, परमेश्वर इनको अपनी धरती में बसाएंगे, इसका मतलब धरती से निकालेंगे भी सही। वो भी भविष्यवाणी, दो भविष्यवाणी मिलकर एक ही एक कि परमेश्वर इनको छोड़ेंगे और उनके देश से निकाल देंगे। ये दोनों भविष्यवाणी सन 135 में तीतस बादशाह के जरिए वो पूरी हो गई। और यही भविष्यवाणी कि परमेश्वर फिर अपना कर फिर अपनी धरती पर बसाएंगे, वो भविष्यवाणी हमारे बाप दादा के दिनों में पूरी हुई 14 मई 1948 में। परमेश्वर ने फिर इनको अपने देश में बसाया, फिर परमेश्वर ने इनको अपनाया और परमेश्वर ने इनको अपना कर अपने देश में एक बार फिर से बसाया। ये घटना कब हुई? 14 मई 1948 को। हालेलुया। मैं कुछ सवाल करता हूँ, अगर आपने वचन सही से सुना है तो उसका उत्तर देना कि परमेश्वर ने बोला मैं इनको फिर अपनाऊँगा, इसका मतलब परमेश्वर इनको छोड़ दिया था। वो छोड़ने वाली घटना कब हुई थी? सन कौन सी? सन 135 1935 में, सिर्फ 135 में। फिर परमेश्वर ने बोला कि मैं इनको फिर अपनी धरती पर बसाऊंगा, इसका मतलब धरती से निकालेंगे भी सही। तो धरती पर निकालने वाली जो भविष्यवाणी थी वो कब पूरी हुई? हाँ, तीतस बादशाह के जरिए सन 135 में पूरी। फिर परमेश्वर ने इनको ऐसा बोला कि मैं फिर अपना कर फिर बसाऊंगा, ये भविष्यवाणी कब पूरी हुई? 14 मई 1948। एक बार फिर से पूछता हूँ कि फिर से अपना कर फिर बसाने की जो बात थी, भविष्यवाणी थी, वो कब पूरी हुई? 14 मई 1948 को। हाँ, इस बात को दिमाग में रखना तो ही वचन जो है वो वचन समझ में आएगा। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और पहले ही वचन से पढ़ दो। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुँचाएँगे और इज़राइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासिया बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वाले को बंदी बनाएंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। अभी अच्छे सुन लिया ये वचन, मैं 3-4 बार पढ़ लिया कि परमेश्वर ऐसा बोलते मैं फिर से बसाऊंगा, और ये फिर से बसाने की बात कब पूरी हुई? 14 मई 1948 में ये बात पूरी। अभी तीसरे वचन से पढ़ो। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उसी दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा। उसी दिन तू कौन से बादशाह को? बेबीलोन के राजा, बेबीलोन के बादशाह को ताना मारकर कहेगा। उसी दिन मतलब कौन से दिन? हाँ, जोर से बोलो। 14 मई 1948 को परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे फिर अपना कर बसाऊंगा। जब परमेश्वर तुझे सारे संताप से सारे दुखों से तुझे विश्राम देंगे, उस दिन मतलब 14 मई 1948 को तू बेबीलोन के बादशाह को कहेगा। अभी क्या कहेगा बेबीलोन के बादशाह को? परमेश्वर क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे? पढ़ते रहो आगे। परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोंटे को और अन्याय से शासन करने वाले के लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्य को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं, सनोवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है, वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है
और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया है? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया। ये कौन है, किसके बारे में लिखा है? शैतान के बारे में। जो समझ में आ गया शैतान के बारे में, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तू तो कहता था, मतलब बहुत पुरानी बात है, तू तो कहता था कि मैं अपना सिंहासन परम प्रधान के तुल्य बनाऊंगा, मैं ऊंचाइयों के ऊपर चलूंगा, मैं परमेश्वर के तारागण से भी मेरा सिंहासन ऊपर लगाऊंगा। तू ऐसा कहता था, उसको याद दिलाया, तू ऐसा कहता था, मतलब पुरानी बात हो गई। लेकिन तू क्या कर दिया, गिराया गया। तू तो ऐसा बोलता लेकिन तू उसे गिराया गया। लेकिन तीसरे वचन में हमने पढ़ा तो तीसरे वचन में ऐसा लिखा है कि तू उस दिन, जिस दिन परमेश्वर तुझे तेरे संताप से आराम देंगे, विश्राम देंगे, तुझे वापस अपनी धरती पर बसाएंगे, उस दिन मतलब 14 मई 1948 को तू बेबीलोन के बादशाह को ऐसा कहेगा। तो सारी बातें किसको कही गई? बेबीलोन के बादशाह को। बेबीलोन का बादशाह मतलब कौन? हालेलुया। बेबीलोन का बादशाह वही शैतान, ये उसका नाम है बस। उसकी तुलना की है बेबीलोन के बादशाह के साथ। बेबीलोन जो था वो निमरोद ने बनाया था। निमरोद बहुत घमंडी था और वो बाइबल में नहीं लिखा लेकिन इतिहास ऐसा कहता है कि वो ऊपर देखकर ऐसा बोलता था, कौन है परमेश्वर? मैं हूँ परमेश्वर। वो आसमान में तीर मारता था, तू है तो बाहर निकल, ऐसा ऐसा इतिहास कहता है, बाइबल में नहीं लिखा। इतना घमंडी था। और शैतान मतलब बेबीलोन का बादशाह मतलब घमंडी इंसान। हालेलुया। समझ में आ रही बात? तो उस दिन जब परमेश्वर तुझे फिर से अपना कर तेरी जगह पर तेरे देश में तुझे वापस बसाएगा, उस दिन तू बेबीलोन के बादशाह को मतलब शैतान को ऐसा कहेगा, तू तो ऐसा ऐसा बोलता था ना, मेरा सिंहासन यहाँ पर लगाऊंगा, वैसा पुरानी बात याद दिला रहे, लेकिन तू तो गिराया गया। हालेलुया। गिराया गया था ऐसा नहीं लिखा, गिराया गया मतलब आज की बात है, तू गिराया गया। हालेलुया। समझ में आ रही बात? कब गिराया गया शैतान को? 14 मई 1948। परमेश्वर की कृपा है हम पर। बाहर जाकर लोगों को पूछो, किसी को नहीं मालूम, और मैं ऐसा नहीं कहना चाहता सिर्फ हमको मालूम है, ऐसे कई लोगों पर कृपा होगी लेकिन आज तक हमें कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन परमेश्वर ने हमें पक्की डेट बताई है कि शैतान को इस धरती पर कब गिराया गया। कौन सी तारीख को? 14 मई 1948। उस दिन तू उसको कहेगा, तू तो ऐसा ऐसा बोलता था ना, तू कैसे गिराया गया? और जब से वो गिराया गया उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली। हालेलुया। जब से शैतान को गिराया गया उसके बाद उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली। अयुब के वक्त जा सकता था, मतलब उस वक्त नहीं गिराया गया था। आदम से पहले भी नहीं गिराया गया था। हालेलुया। लेकिन प्रकाशित वाक्य जो आज हमने वचन पढ़ा था, वहाँ पर 7वें वचन में ऐसा लिखा है, मिकाएल और उसके दूत और अजगर और उसके दूत वो लड़े, वो लोग प्रबल ना हुए और उस दिन परमेश्वर ने उसको धरती पर गिरा दिया। इसका मतलब लड़ाई हुई थी, एक लड़ाई के बाद गिरा दिया गया। ये आज का हमारा जो टॉपिक है ना, उसका मेन पॉइंट यही है। अगर ये बात समझ जाओगे ना तो
तो आप समझ जाओगे कि मुझे आगे चलकर क्या करना है। तो एक लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद उसको गिराया गया। जिस दिन उसने घमंड किया ना, उस घमंड के दिन उसको नहीं गिराया गया था। उसको कब गिराया गया था? उसको ये लड़ाई के बाद गिराया गया। और जब हम यशा भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है किस दिन गिराया गया। तो बोले जिस दिन परमेश्वर ने इसराइल को वापस पसंद किया और वापस अपनी जगह पर अपनी धरती पर उनको बसाया, उस दिन उसको गिराया गया। मैं 14 मई 1948। तो लड़ाई कौन सी हुई? लड़ाई वही हुई थी, दुनिया बीच में आई थी। सभी देश को बोला आओ वोटिंग करो, इसराइल देश बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। आप क्या मानते हो कि परमेश्वर और शैतान आमने सामने लड़े और शैतान को कुछ हो ना, परमेश्वर उसका मौत, उसको नरक में डालना, आग की झील में डालना तय किया है? और परमेश्वर में मैं जिस दिन आऊँगा ना, मेरे आने के तेज से ही मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। क्या परमेश्वर शैतान के सामने लड़े लड़ाई हो और वो जिंदा रहे और उसको स्वर्ग में से नीचे धरती पर फेंका जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर लड़ने के लिए आए तो कोई भी जिंदा रह नहीं सकता, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर रहकर लड़ाई लड़ते और शैतान भी लोगों के अंदर रहकर भी लड़ाई लड़ता है। 50 देश बुलाए गए, शैतान ने पूरा जोर लगाया, जो भी उनके प्रतिनिधि आए होंगे, जो भी प्रेसिडेंट आए होंगे, जो भी वोटिंग करने के लिए आए गए, उन सभी का कब्जा लेने का इस शैतान ने प्रयत्न किया होगा कि 50 के 50 बोले देश नहीं बनना चाहिए। लेकिन मिकाएल मतलब प्रभु यीशु और उनके दूतों ने भी सभी के अंदर काम करना किया, नहीं लिखो, हाँ देश बनाया जाए, देश बनाया जाए। ये लड़ाई हुई उन 50 के अंदर बीच में, शैतान और परमेश्वर के बीच में। और परमेश्वर ने 37 लोगों के अंदर सफलतापूर्वक काम कर दिया कि उन लोगों ने बोला हाँ देश बना जाए। लेकिन शैतान सिर्फ 13 लोगों में काम कर पाया। और परमेश्वर ने देखा अभी तक तू इनके विरोध में, अभी तू आज तक तो ऊपर आ सकता था, लेकिन अब मैं तुझे ऊपर नहीं आने दूंगा, अब तेरी वो शक्ति ख़त्म, अब तू स्वर्ग में मेरे पास नहीं आ सकता, अब तू स्वर्ग में आकर तू स्वर्ग तो कोई भरमा नहीं सकता, तू उनको भी पाप नहीं करवा सकता। इसलिए आगे जो हमने वचन पढ़ा था वहाँ पर जो स्वर्ग थे वो बोलते हे स्वर्ग में रहने वालों खुश रहो क्योंकि उसको गिराया गया, लेकिन ये धरती पर रहने वालों, वो समुंदर में रहने वालों, तुम्हें हाय, तुम्हें अफसोस, शैतान तुम्हारे पास आ गया। उनको मालूम है ये कितना गलत इंसान है, ये कितना बुरा है, ये किस तरह से काम करता है। तो 12:7 में प्रकाशित वाक्य जो लड़ाई थी वो यही लड़ाई थी कि इसराइल को आज़ाद किया जाए या ना किया जाए। और परमेश्वर ने 37 लोगों के अंदर काम किया और शैतान 13 लोगों के अंदर काम कर सका। ये लड़ाई हुई और इसराइल आज़ाद हुआ। और उस दिन परमेश्वर ने बोला उस दिन तू कहेगा उस बेबीलोन के बादशाह को, उस दिन कहेगा हे भोर के चमकने वाले तारे, तू तो ऐसा बोलता था मैं परमेश्वर के समान हो जाऊँगा, क्या हुआ तुझसे, तू तो आज गिराया गया, तू तो बड़ी बड़ी फेंकता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन तेरे से हुआ क्या? हालेलुया। ये लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद शैतान को और उसके साथ जो भी उसके साथ थे उन सभी को गिराया गया। अभी दूसरी बात, एक खास बात जो समझने वाली है, क्या 14 मई 1948 से पहले क्या शैतान स्वर्ग में रहता था? अगर उसको गिराया गया, समझना, 14 मई 1948 उसको गिराया गया, पृथ्वी पर गिराया गया, तो इसका मतलब क्या वो स्वर्ग में रहता था? क्या स्वर्ग में उसकी कोई जगह थी? एक मैनेजर होता है, एक पोस्ट होती है मैनेजर की। चलो मैनेजर ने कोई घोटाला कर दिया, मालिक को पता चल गया, तो उसको मैनेजर की पोस्ट उसके पास से छीन ली और उसको बना दिया, समझो प्यून बना दिया, चपरासी बना दिया। लोग क्या बात करेंगे, इसको गिरा दिया गया। सच में क्या मैनेजर को धक्का मारा, क्या उसको कहीं से गिराया, अरे इसको तो ऊपर से नीचे उतार दिया, नहीं अभी भी वही ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो पोस्ट थी, सभी चाहे मैनेजर हो
चाहे चपरासी हो, सभी एक ही ऑफिस में होते हैं ना, सभी एक ही ऑफिस में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि चपरासी मतलब नीचे किसी जगह पर बैठता है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है कुछ ऊंचाई के ऊपर बैठता है, एक ही ऑफिस में होते सारे। पद ऊंचा होता है या तो पद नीचा होता है। इसके पास जो शक्ति थी स्वर्ग में आने जाने की, वो परमेश्वर ने छीन ली। अब तू मेरे पास ऊपर नहीं आ सकता, अब तू मेरे स्वर्गदूत को परेशान नहीं कर सकता। अब तेरी जो पोस्ट थी ऊपर तक, तेरी जो शक्ति थी आने की, वो ख़त्म। इसलिए बाइबल में लिखा गया तू उसे गिराया गया, तू उसे फेंका गया, तू उसे उतारा गया। ऐसे शब्द इसलिए इस्तेमाल किए कि इसकी जो शक्ति थी, उसका जो पद था ऊपर जाने का, वो सब कुछ परमेश्वर ने छीन लिया। 14 मई 1948 से पहले तक, 13 मई तक इसके पास वो शक्ति थी कि स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन अब वो शक्ति ख़त्म हुई। उसी दिन जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई, जैसे उसको गिरा गया, स्वर्गदूत देखो कितना खुश हो गए, कितना खुश हो गए। हे स्वर्गवासी आनंद करो, हे पृथ्वी के लोग तुम पर हाय, कितना खुश हो गए, अब ये नहीं आ सकता हमारे पास, कितना खुश हो गए। तो ऐसा नहीं था वो स्वर्ग में रहता था, लेकिन अब स्वर्ग में आने की उसकी जो शक्ति थी, वो शक्ति उसकी ख़त्म हो गई। ये जो पुरानी और झूठी कहानी जो दिल में लोगों के उतर चुकी है, अगर वो दिल में होगी तो सारी बातें मानना वो कठिन हो जाएगा। लेकिन हमने जो भी देखा वो बाइबल से देखा, जब शैतान की ऊपर जाने की शक्ति छीन ली गई, तब स्वर्गदूत जो थे वो बहुत खुश हो गए। और बाइबल में जो वचन हमने पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ते हैं उसका 12 वचन, प्रकाशित वाक्य 12:12। इस कारण है स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। यहाँ पर लिखा है हे स्वर्ग में रहने वालों, अब तुम खुश हो जाओ, अब तुम आनंद करो। लेकिन पृथ्वी वाले को क्या बोला, अब तुम्हें हाय, तुम्हें अफसोस, क्योंकि शैतान किसके पास आ चुका है, तुम्हारे पास पहले भी था, लेकिन अभी 100% ऊपर जा ही नहीं सकता। अब उसका एक ही टारगेट, सिर्फ इंसान, पहले तो उसका टारगेट स्वर्गदूत भी थे, लेकिन अभी उसका टारगेट ख़त्म हो गया, ऊपर वाला टारगेट, अभी बस नीचे इंसानों को किस तरह से बर्बाद करना है, किस तरह से परमेश्वर से दूर करना है, अब यही उसका टारगेट रह गया। शैतान तुम्हारे पास आ चुका है। फिर से पढ़ो ये 12 वचन। इस कारण है स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। ओ बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। स्वर्ग में रहने वालों आनंद करो, मगन हो जाओ, खुश हो जाओ, लेकिन समुद्र और पृथ्वी तुम पर हाय, उस पर रहने वालों तुम पर हाय। इसका मतलब जिस दिन इसको फेंका गया, इस दिन धरती पर बस्ती थी। हाँ, तुम्हारे पास तारीख है तो हमें पता है कि हाँ बस्ती थी, लेकिन जब उसको फेंका गया तब इस धरती पर लोग रहते थे, समुद्र में रहने वाले लोग थे। समुद्र का मतलब होता है उसके बीच में जो टापू होते हैं, उसके ऊपर रहने वाले। पर तुम्हें अफसोस, तुम्हें हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास आ चुका है, और कि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हाँ, उसके पास कितना वक्त बाकी है, थोड़ा समय। कब उसको ऐसा पता चला? हाँ हाँ, लेकिन वो दिन कौन सा था? 14 मई 1948। उस दिन शैतान को ऐसा पता चल गया अब मेरे पास वक्त कम है। कितना वक्त हो गया आज तक? 48 से लेकर आज तक कितना वक्त हो गया? 76, 76 साल हो गए, सही है ना? 76 साल। उसने देखा कि अब मेरे पास वक्त कम है, उस कम वक्त में से भी 76 साल ख़त्म हो गए। अब शैतान के पास कितना वक्त होगा? और शैतान के पास वक्त नहीं तो हमारे पास कितना वक्त होगा? देखो, अंत के समय में बाइबल में बहुत शुरू से लिखा है। दानियल को भी परमेश्वर एक बार अंत की बात बताई,
और दानिय्येल के पुस्तक में वचन पढ़ते उसका 10वां अध्याय और वचन 14। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। यहाँ पर लिखा है कि तूने जो दर्शन देखा वो कुछ दिनों में, मतलब बहुत दिन बाकी अभी, कुछ दिन का मतलब एक दो दिन की बात नहीं है। ए दाने तू शांति से जाग, ये तेरे लिए नहीं है, ये दिन तेरे लिए नहीं है, अभी तो बहुत दिन बाकी है, बहुत काफ़ी वर्षों के बाद ये होने वाला है। जो अंत की बात मैं बता रहा हूँ, अंत के दिनों में तेरे लोगों की दशा कैसे होगी, उसको तो बहुत टाइम बाकी है, ऐसा दानिय्येल को कहा गया, बहुत वक्त बाकी है अभी तो फिक्र मत कर, अभी बहुत वक्त बाकी। लेकिन 1948 को ये बात नहीं कही गई कि शैतान के पास अभी भी बहुत वक्त है। कितना वक्त है शैतान के पास? बहुत कम वक्त है। अभी शैतान के पास वक्त कम है। अगर शैतान के पास वक्त कम है और उस कम वक्त में से भी 76 साल अगर चले गए तो समझ लो अब उसके पास कितना वक्त रह गया। अभी इसके पास वक्त कम है तो चलो शैतान के पास किस बात के लिए वक्त कम है, किस बात के लिए ये कहा गया कि शैतान के पास वक्त कम है? और जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसका 17वां वचन पढ़ो। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। देखो जब शैतान ने देखा मेरा कुछ बस नहीं चल रहा है तो कहाँ पर आया? उस स्त्री के और संतान, मतलब कि जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं उन लोगों को मारने के लिए निकला। हालेलुया। शैतान के पास किस बात का वक्त कम है मालूम है? परमेश्वर के लोगों को नरक में ले जाने के लिए अभी उसके पास थोड़ा ही वक्त रह गया। थोड़ा मतलब 76 साल तो और भी बीत गए, ये 76 साल उसने पूरा काम किया, अभी भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसको मालूम है मेरे पास वक्त कम है। तो वक्त कम कहे तो क्या है? टारगेट बड़ा है, पूरा करो टारगेट, बस जितने लोगों को हो सके इतने लोगों को नरक में लेकर जाओ, जो भी प्रभु उसके पीछे चलते हैं उनको भरवाओ, जो भी प्रभु उसके आज्ञाकारी करने के लिए जाते हैं, जो भी संगति में जाते हैं उन लोगों को परेशान करो, उन लोगों को ढालो, उनको परेशान करो, उन लोगों के पीछे ऐसे लोग डालो जो उनकी निंदा करे, जो उनको सताए, और ऐसे लोग भी फिर भरमा कर प्रभु उसको छोड़ दे, ऐसा कुछ करो। और देखो आज शैतान कहाँ कहाँ पर काम कर रहे हैं। भारत में देखो, भारत में आज कितनी सतावट है। पिछले दिनों में, पिछले कुछ साल में उड़ीसा में एक घटना हुई थी और एक मिशनरी थे ब्रदर स्टेन, उनकी पत्नी और मेरे ख्याल से 3 बच्चे थे उनके, लेकिन 2 बच्चे और इस भाई साहब को उनकी कार में जिंदा जला डाला। जिसने जिंदा जला डाला उसका नाम था दारा सिंह। हाँ, उसका नाम था दारा सिंह। पकड़ा गया, अभी जेल में है। पिछले 20-25 में मालूम नहीं कितने साल हो गए जेल में है। अभी उसने चाहा कि मुझे आज़ाद करो, मुझे आज तक पैरोल पर भी नहीं छोड़ा गया। उस वक्त जवानी के जोश में मैंने गलती कर दी, लेकिन अभी छोड़ दो पछता रहा है, चलो वो बात अलग से। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ कई साथी लोग थे। ध्यान से समझना अब एक बात को। जब उसको जलाया गया, उसके घर के बाहर गाड़ी में वो बैठे थे, उनके दोनों बच्चों के साथ जब जिंदा जला गया तो आसपास में जितने लोग खड़े थे उन लोगों ने अपने देवता का नाम बुलाया था, जय श्री राम, और नारा लगाते हुए इनको ख़त्म कर दिया था। और ये हुआ था 22 जनवरी 1994 में। ध्यान से समझ तक। और मालूम है कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, अभी पूरा हुआ भी नहीं था, उससे पहले नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की। वो तारीख जानते हो? 22 जनवरी क्या बोला था? इसी नाम का नारा लगाओ। सभी देशवासियों क्या बोला? इसका झंडा रखो, आज का दिन खास है। क्यों मंदिर नहीं बना था फिर भी ये काम किया? ये हमारे लिए कुछ काम करने का दिन है। उस दिन स्टेन को मारा गया था, मनाओ उस दिन को, उस दिन को मनाया इन लोगों ने। शैतान काम कर रहा है। यूपी में देखो काफ़ी चर्च को ताला लगा दिया, कितने पास्टर आज जेल में है वहाँ के,
कोई उनके ऊपर कोई दोष नहीं। कानून ऐसा बना डाला कि किसी को भी आप 90 दिन तक पुलिस उसको परेशान कर सकते हैं, हिरासत में रख सकती है, लॉकअप में रख सकती है। 90 दिन के बाद उनको लगे कि इसके अंदर कोई दोष नहीं था, छोड़ दो, चाहे कितना भी मारकर छोड़ो। लेकिन जो छुटकर आया वो बाद में पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता कि जब मैं बेगुनाह था तो 90 दिन मुझे जेल में क्यों रखा, 90 दिन मुझे मारा क्यों, क्यों बनाया गया कानून। यही है कारण, बस सताओ ऐसे लोगों को। नॉर्थ कोरिया में जाकर देखो, अगर बाइबल आपके हाथ में पकड़ा गया, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब होता है मर जाओ तब तक जेल में। किसी मसीह को मानने वाला कोई परिवार था, 2 साल का लड़का बाइबल पढ़ा था, वहाँ पर बैठा था, बोलो बच्चे के पास बाइबल निकला, डालो जेल में। 2 साल के बच्चे को भी जेल में डाल दिया। सिर्फ भारत की मैं बात नहीं कर रहा, वहाँ पर कोई बीजेपी नहीं, मुझे बीजेपी से या नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं, वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर भी सतावट है। अमेरिका ने इस बात पर बैन लगा दिया कि कोई ये नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह को इसराइल वालों ने मारा। अगर कोई ऐसा बोलता है उसको जेल में डालो। मालूम है अमेरिका में बाइबल बैन होने के लिए जा रहा है, वहाँ पर बाइबल पर प्रतिबंध होने वाला है। अफगानिस्तान में जाओ, अगर पता भी चला ये मसीह को मानता है तभी उसको ख़त्म कर दो, बात ही ख़त्म, मानने वाला होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जाकर देखो, जितने लोग मसीह को मानते हो गटर साफ करने का काम करते, उनको कोई बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती, चाहे कितना भी पढ़े लिखे। सभी जगह पर शैतान काम कर रहा है, वो लोगों को परेशान कर रहा है। क्यों? उसके पास वक्त कम है। 14 मई 1948 उसको पता चल गया मेरे पास वक्त कम है। मैं बोलता हूँ आप कब पैदा हुए, है कोई इतना पुराना जो 1948 में पैदा हुआ? पैदा होने की बात छोड़ो, आप मसीह में कौन से साल में आए, कब मसीह में आए? 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, कब मसीह में आए आप? गिनती तो वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। जिस दिन आप मसीह में आए, क्या उस दिन से आपके पास परमेश्वर ने आकर कहा था बेटे तेरे पास बहुत वक्त है, बैठा रहे तू, मत बढ़ना, अभी तो बहुत दिन बाकी है, बहुत साल बाकी है, धीरे धीरे बढ़ना शांति से, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं। क्या आज आपको मालूम है कि आपके पास बहुत वक्त है? उस शैतान को जाकर देखो जिसको ये बात पता चल गई कि मेरे पास वक्त कम है, ओवर टाइम करता है, पृथ्वी पर इधर उधर घूम घाम कर काम करता है, कभी इस देश में कभी उस देश में भागता रहता है, अपनी मीटिंगें करता रहता है, दुष्ट आत्मा को भगाता रहता है, ये करो वो करो, एक पल विश्राम नहीं करता हो। क्यों? मुझे मसीह लोगों को ले जाना है नरक में, मुझे उनको ख़त्म करना है नरक में, मैं तो जाऊंगा लेकिन इनको भी नहीं छोड़ूंगा। बिंदास से ओवर टाइम करते हुए पूरे जोरों से शैतान वो काम कर रहा है। उसको तो फिर भी मालूम है कि जाने वाला तो मैं नरक में हूँ, और जब आपको तो चाहिए स्वर्ग, और स्वर्ग चाहिए तो पता नहीं चलता मेरे पास वक्त नहीं है। क्या ये बात समझ में नहीं आती कि अब मेरे पास तो शैतान के जितना भी वक्त मुझे तो नहीं मिला, मेरे पास तो वक्त है ही नहीं। क्या काम करते हो आज आप प्रभु का स्वर्ग में जाने के लिए, क्या काम करते हो? एक सिक्के वाला ऐसे ही बैठा रहा, आलसी बना, बहुत वक्त है, करेंगे, अभी तो मेरा मालिक आएगा, अभी तो बहुत दूर देश में गया है, आएगा, देखेंगे, दौड़ेंगे, अभी कहाँ आया मेरा मालिक, आ गया ना अचानक, एक भी सिक्का नहीं कमाया। मैं आपको बोलता हूँ, आपने सिक्का कमाया क्या? बहुत वक्त है क्या आपके पास जिसके कारण सिक्का नहीं कमा रहे? क्या कर रहे हो आप लोग, आपके पास कितना वक्त है? आखिर में उसका स्वामी आया, बोला इसको बाहर के अंतरे में डाल दो, इसका वक्त ख़त्म। 5 मूर्ख स्त्रियाँ हर रोज ही समझते कौन सा मेरा पति आने वाला है, 360 दिन बाकी है, 359 दिन बाकी है, 358 दिन बाकी है, साल में आने वाला है ना वो, तो
अरे साल में नहीं, एक साल में कभी भी आ सकता है। साल तो दिया गया था उनकी परंपरा के अनुसार, वो तो कभी भी आ सकता है। इनको ऐसा पूरा साल पड़ा है, लेकिन आ गया ना बीच में, रह गए ने पांच मूर्ख। क्या पवित्र आत्मा से इतने भरे हुए हो कि आपको ऐसा लगता है मेरे पास बहुत वक्त है? क्या है पवित्र आत्मा की भरपूरी? क्या भरपूरी में चल रहे हो? क्यों लगता तो ऐसा ही है चाल चलन से, चरित्र से, अभी तो बहुत वक्त है। क्या हुआ लेकिन? वो पांच मूर्ख स्त्री खत्म हो गई, नाश हो गई। और मालूम है नीति वचन में लिखा है उसका छठवा अध्याय और वचन भी छे, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। परमेश्वर क्या बोलते? तू मूर्ख है, बोले तू बैठा रहा है, तू मूर्ख है, जा चींटी के पास जा, सीख उसके पास से कुछ सीख। वो बैठती नहीं है, कितना सर है उसका, कितना खाना चाहिए उसको, फिर भी गर्मी के दिनों में वो अपने लिए इकट्ठा कर कर रहती है, इतना काम करती है। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 58 वचन, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ हो और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। परमेश्वर के काम में लगे रहो, छोड़ो मत। आज आपके पास अपने काम करने के लिए वक्त है, कारोबार करने के लिए वक्त है, लेकिन परमेश्वर के लिए पूछो। आत्मा जितने आना है, किसी का भला करने के लिए आना है, आप सोच में पड़ जाओ तो जाऊँ या ना जाऊँ, काम करूँ या ना करूँ, क्यों बहुत वक्त पड़ा है अभी तो। शैतान अच्छा, उसको पता चल गया कि मेरे पास वक्त कम है। आज विश्वासी लोग, आत्मिक लोग जो अपने आप को मानते हैं, उनको नहीं पता चलता कि मेरे पास सही में वक्त नहीं। बिंदास है वो तो, अपना कारोबार किए जा रहे हैं, अपनी जॉब किए जा रहे हैं, कमाई कर जा रहे, करो, मना नहीं है उसकी, लेकिन साथ में अपना आत्मिक काम के ऊपर तो ध्यान रखो। स्वर्ग में जाना है, आत्मा जितना है, पवित्र आत्मा से भरपूर रहना, उसका क्या? अरे एक दिन हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहना है, ये सारी बातों का जवाब देना है। और दूसरे कुरिन्थियों में लिखा उसका 5वां अध्याय वचन 10, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है एक दिन तो हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहना है, इस सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। एक सिक्के वाले को जवाब देना पड़ा, पांच मूर्ति को जवाब देना पड़ा। जवाब नहीं था तो निकाले गए वो लोग, बाहर के अंधेरे में चले गए। जिसने कपड़े नहीं पहने थे आज्ञाकारी के, उसको शादी के खाने से निकाल दिया गया, को उसके पास उत्तर रहे वक्त कम है और परमेश्वर फैसला जरूर करेंगे। लेकिन कई लोगों की सोच ही गलत होती है। एक भाई साहब थे, मालूम नहीं कुछ हुआ होगा, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बॉडी चेकअप करके इतना बोला, भाई साहब आपके पास सिर्फ 2 साल है। वो कभी सिगरेट नहीं पीता था, सिगरेट पीने लग गया। कभी शराब नहीं पीता था, शराब पीने लग गया। कभी व्यभिचार नहीं करता था, व्यभिचार में पड़ गया। लोगों ने उसको देखा, भाई साहब तू इतना अच्छा था, ऐसा क्यों कर रहा है? वो 2 ही साल बाकी है, जितना होता है कर लो, बोले। आज भी कई लोग वैसे ही है, वक्त कम है ना, लाओ ना कुछ और करते हैं। आत्मा जितना नहीं दिखाई देता, एकता में रहना नहीं दिखाई देता, लेकिन किस तरह से नरक में चला जाए वो दिखते। और आज तक तो कुछ नहीं किया, अभी करो, वक्त कम है। अरे हमको हिसाब देना है, वक्त कम है तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। शैतान को समझ में आ गया मेरे पास वक्त कम, तुरंत भागा, चलो काम करते। लेकिन अफसोस उस विश्वासी लोगों के ऊपर, उस आत्मिक मानने वाले लोगों के ऊपर जो दौड़ते नहीं है, जो अपना स्वर्ग का काम, स्वर्ग में जाने के लिए जो करना है वो कर नहीं रहे। ध्यान से समझना, हमारे परमेश्वर हिसाब मांगने वाले हैं। शैतान को जब पता चल गया कि वक्त कम है, उसमें से भी 76 साल हमारे जीवन में और भी कम हो गए, आज्ञाकारी के कपड़े पहन लो, सिक्के का इस्तेमाल करो, आत्मा जीत लो, वचन को खिलाओ, पवित्र आत्मा लोगों को पिलाओ, आज्ञाकारी के वस्त्र लोगों को पहनाओ, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को दो,
जो शैतान के बंधन में फंसे उनको निकालो, जो आत्मा में कमज़ोर है उसको कमज़ोरी दूर करो, ये सारे काम करो, कहीं एक सिक्के वाले के समान आपके जीवन में ना हो जाए, कहीं पांच मूर्ख के समान आपके जीवन में ना हो जाए, कहीं जिसने शादी का जोड़ा नहीं पहना था उसके जैसा आपके जीवन में ना हो जाए, कहीं परमेश्वर ही ना बोल दो जाओ इसको बाहर के अंदर में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। वक्त कम है, शैतान जान चुका है, इसलिए शैतान पूरे जोरों से काम कर रहा है। वक्त कम है, आज आपने भी जान लिया है, उठो और भागो, अपना स्वर्ग तय कर लो। आओ हम अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप की परीक्षा करें, क्या सही में मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए वक्त कम है, क्या सही में मैं मानता हूँ कि इस कम वक्त में मुझे जो काम करना चाहिए वो मैंने नहीं किया, क्या विश्वास है कि प्रभु मेरे चरित्र के हिसाब से बदला लेने वाले, क्या ये मालूम है कि परमेश्वर एक दिन पूछने वाले कि एक सिक्का दिया था क्या किया तूने, क्या उस पांच स्त्री ने जो भरपूरी खोदी पवित्र आत्मा की, तेल खत्म हो गया, आज मेरे जीवन में क्या है कैसा है। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अंतिम दिन है, वक्त कम है, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, वस्त्र पहनने पड़ेंगे, आत्मा जीतना पड़ेगा, नहीं तो सर नहीं जा सकते। और इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को तैयार करो, जब शैतान में इतनी समझ है कि मेरे पास वक्त कम है और वो काम कर रहा है, तो क्या हमारे अंदर इतनी समझ नहीं होनी चाहिए। समझो, आलसी मत बनो, चींटी के पास जाओ, मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान हो जाओ और आत्मा जीतना शुरू करो, लोगों को वचन खिलाना, पवित्र आत्मा पिलाना शुरू करो, आज्ञाकारी के वस्त्र पहनकर घूमो, पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाएगा।